हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल विद एकता। हम 10th क्लास का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कर रहे हैं, जो कि सिर्फ रिटेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, NSQF के किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हों या फिर किसी भी बोर्ड से हों, चाहे वो CBSE है या हरियाणा बोर्ड है, सबके लिए ये सिलेबस सेम रहता है, चाहे वो IT हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी ट्रेड हो। तो हमने उसका 5th यूनिट कंप्लीट किया, ग्रीन स्किल्स। उसके लिए आप इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, यानी कि उद्यमिता कौशल। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, यानी कि उद्यमी कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता क्या है, और एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी क्या काम करता है। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्वरोजगार, खुद के लिए रोजगार बनाना। वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल एंड टू मेक प्रॉफिट्स। एक ऐसा रोजगार है, स्वयं रोजगार, खुद के लिए रोजगार खुद बनाना, एक बिजनेस करना, जिसमें कोई भी व्यक्ति, उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है। किस लिए बिजनेस करता है? लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एंड टू मेक प्रॉफिट्स, खुद के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया कि ये क्या है? स्वरोजगार, खुद के लिए रोजगार, अपना खुद का काम करना, ना कि किसी की नौकरी करना। दूसरा, ज़रूरत पूरी करना। एंटरप्रेन्योर जो हैं वो रोज़गार किस लिए करते हैं या अपना बिजनेस किस लिए शुरू करते हैं? अपनी सोसाइटी की, आसपास के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और तीसरा क्या है? लाभ कमाना। और वो ये सब किस लिए करेंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट्स के लिए। कोई भी व्यक्ति जो कि बिजनेस करता है, काम करता है, वो किस लिए काम करता है? उसको कुछ लाभ होगा, कुछ कमाई होगी, तभी वो काम करेगा ना। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए रोजगार बनाना, एक नया बिजनेस शुरू करना, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने आसपास की सोसाइटी की ज़रूरत को पूरी कर सकें और ख़ुद के लिए अच्छा लाभ कमा सकें, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। ठीक है, उसके बाद है उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बिजनेस रन करता है, मार्केट में, बाजार में एक नया बिजनेस करता है। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए रोजगार करता है, एंड ऑल्सो क्रिएट्स जॉब्स, और लोगों को भी रोजगार देता है, नई नौकरियां देता है। तो ये क्या है? स्वरोजगार, खुद का बिजनेस करता है, खुद के लिए रोजगार बनाता है एक उद्यमी, औरों को रोजगार देता है, नई सोच, एक नई सोच के साथ अपना बिजनेस शुरू करता है और उस बिजनेस के लिए कठिन परिश्रम करता है। समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो एक नई सोच के साथ, नए आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करता है, खुद के लिए रोजगार बनाता है और अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार देता है और उसके लिए कठिन परिश्रम करता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर काम किसके लिए करता है? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। ठीक है, तो जो एक एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है? एंटरप्रेन्योर चार चीज़ों से अपना बिजनेस करता है। पहला है लैंड, यानी कि भूमि। ठीक है, दूसरा है लेबर, श्रम। तीसरा है कैपिटल, कैपिटल को बोलते हैं पूंजी। और चौथा है एंटरप्रेन्योर, इसको बोलते हैं उद्यम। ठीक है, इन चार चीज़ों से मिलकर बिजनेस बनता है।
एक उद्यमी जो कि बिजनेस शुरू करता है, किससे शुरू करता है? बिजनेस करने के लिए उसे क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। लैंड मतलब जमीन, जगह, जिस जगह पर वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा, चाहे वो दुकान है या कोई भी बिजनेस है, उसके लिए उसे भूमि चाहिए होगी। वहाँ पर काम करने के लिए क्या चाहिए उसे? लेबर यानी कि श्रमिक। तीसरा है कैपिटल, कैपिटल होती है पूंजी, पैसा। और चौथा है एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब साधनों को इकट्ठा करके बिजनेस करेगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आज हमने अब इस वीडियो में क्या किया, एक तो एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नई सोच के साथ नया बिजनेस करता है और लोगों को रोज़गार देता है और कठिन परिश्रम करता है और खुद के लिए जो रोज़गार बनाने की जो प्रक्रिया है, जिससे कि हम लोगों को ज़रूरतों को पूरा कर सकें और अपने लिए प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमिता और उद्यमी अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।